प्रदेश में कोविड 19 संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8050 हुई। पीएमसीएच के 9 चिकित्सक भी हुए संक्रमित। राज्य सरकार ने कोविड संक्रमित चिकित्सकों को 14 दिनों के होम आइसोलेशन में रहने का निर्देश दिया। नेपाल ने बिहार सरकार को अपने भूभाग में गंडक नदी के सुरक्षा बांधों पर बाढ़ निरोधात्मक काम करने की अनुमति दी। और मौसम विभाग ने आज से 29 जून तक प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोविड 19 संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8050 हो गई है। कल 157 नए मरीजों की पुष्टि हुई। नए मामलों में सबसे अधिक 35 की पटना से पुष्टि हुई है। समस्तीपुर से 32, नवादा से 14, बांका से 9, मुजफ्फरपुर से 8, मधेपुरा से 6 और औरंगाबाद, सिवान, वैशाली और मधुबनी से 5-5 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। सुपौल, शिवहर और लखीसराय से 4-4, भागलपुर, जमुई और कटिहार से 3-3, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण और मुंगेर से 2-2 तथा भोजपुर, दरभंगा, जहानाबाद, सारण, नालंदा और सहरसा से 1-1 मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या 54 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में 260 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने वालों की संख्या 6027 हो गई है। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 75% हो गई है। इस बीच अब तक पीएमसीएच के 9 चिकित्सकों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। इनमें सबसे अधिक स्त्री रोग विभाग की 6 चिकित्सक हैं। इसके अलावा पीएमसीएच की 2 नर्स और पैथोलॉजी विभाग का 1 टेक्नीशियन भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 4,56,183 हो गई है। वहीं देश भर में अब तक 2,58,685 रोगी ठीक हुए हैं। मृतकों की कुल संख्या 14,476 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमण की स्थिति में 14 दिनों के होम आइसोलेशन का निर्देश दिया है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने कुछ शर्तों के साथ दिशा निर्देश जारी कर दिया है। दिशा निर्देश में कहा गया है कि यह सुविधा तभी मिलेगी जब उनके घर पर आइसोलेशन और अन्य पारिवारिक सदस्यों को क्वारंटीन करने की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही होम आइसोलेशन के दौरान उन्हें नियमित रूप से स्वास्थ्य की देखभाल करनी होगी और इस संबंध में विभाग को नियमित अंतराल पर सूचित करना होगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने सभी संबंधित राज्य सरकारों, सार्वजनिक और निजी संस्थानों तथा अस्पतालों को कोविड 19 की जांच बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी है। परिषद ने विभिन्न जांच एक साथ करने को कहा है, जिनमें सीरो सर्वे के लिए रियल टाइम PCR, त्वरित एंटीजन टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्टिंग शामिल है। ICMR ने कहा है कि कोविड 19 का संक्रमण रोकने और लोगों का जीवन बचाने के लिए जांच करना, संक्रमण का पता लगाना और उपचार ही एकमात्र उपाय है। परिषद ने संक्रमण की रोकथाम के लिए संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने की प्रणाली को भी मजबूत करने की आवश्यकता जताई है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा है कि कोविड 19 मामलों में भारत दुनिया के अन्य देशों से बेहतर स्थिति में है। अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट के मुकाबला देने में। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी कोविड अस्पतालों को 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए पीएम केयर्स फंड से 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। एक रिपोर्ट। 50,000 वेंटिलेटर में से 30,000 वेंटिलेटर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं। अब तक 2,923 वेंटिलेटर का निर्माण किया गया है और इनमें से 1,340 वेंटिलेटर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंचा दिए गए हैं। ये वेंटिलेटर महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, बिहार, कर्नाटक और राजस्थान को दिए गए हैं। इस महीने के अंत तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अतिरिक्त 14,000 वेंटिलेटर पहुंचा दिए जाएंगे।
इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1,000 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इस सहायता का उपयोग प्रवासियों के आवास, भोजन, चिकित्सा उपचार और परिवहन की व्यवस्था के लिए किया जाएगा। महाराष्ट्र को 181 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश को 103 करोड़ रुपए और तमिलनाडु को 83 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। गुजरात, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक को भी अनुदान जारी किए गए हैं। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय रेल नियमित रेलगाड़ियों में इस वर्ष 14 अप्रैल या उससे पहले लिए गए सभी टिकटों की धनराशि पूरी तरह वापस करेगा। रेलवे ने एक बयान में कहा है कि ऐसे सभी टिकट रद्द कर दिए जाएंगे और मौजूदा प्रावधानों के अनुसार पूरी धनराशि वापस की जाएगी। लॉकडाउन की अवधि से अब तक प्रदेश में 4,66,000 योजनाओं के तहत लगभग 8 करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया है। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने ये जानकारी दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। नेपाल ने बिहार सरकार को अपने भूभाग में गंडक नदी के सुरक्षा बांधों पर बाढ़ निरोधात्मक काम करने की अनुमति दे दी है। पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि भारत और नेपाल के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में इस बात पर सहमति बनी। नेपाल प्रशासन ने सीमित शर्तों के साथ मरम्मत कार्य करने की अनुमति दी है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को नेपाल प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर कोसी, गंडक, कमला और अन्य नदियों पर बाढ़ सुरक्षा के काम जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने तटबंधों की मजबूती के लिए पौधारोपण का भी निर्देश दिया। उन्होंने बाढ़ निरोधात्मक कामों में उपयोग होने वाली सामग्रियों का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने को भी कहा है। मौसम विभाग ने आज से 29 जून तक प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवा में नमी और झारखंड में बने ट्रफ लाइन के बिहार में प्रवेश करने से भारी बारिश की स्थिति बन रही है। पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज से 26 जून तक किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी और दरभंगा जिले में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं 27 जून से 29 जून के बीच दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, गोपालगंज, सीवान और मुजफ्फरपुर में एक दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी 26 जून को विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में राष्ट्रीय दलों के साथ साथ राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों को भी आमंत्रित किया गया है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भारत चीन सीमा पर शहीद हुए भोजपुर के जवान चंदन कुमार के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें 25 लाख रुपए का चेक सौंपा। श्री मोदी कल शहीद जवान के गांव ज्ञानपुरा पहुंचे और उनके परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र की ओर से बिहार को पहली किस्त के रूप में 1,254 करोड़ रूपये की राशि मिली है। पहली किस्त की मिलने वाली 50% राशि की जगह इस बार 25% राशि ही दी गई है। यह राशि पंचायती राज संस्थाओं के बीच विकास कार्यों के लिए वितरित की जाएगी। भोजपुर जिले के हसन बाजार चौकी क्षेत्र में पदस्थापित एक दारोगा, 3 होमगार्ड जवान और एक चालक को अवैध वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि गिरफ्तार पुलिसकर्मी भोजपुर रोहतास सीमा पर वाहनों से अवैध वसूली करते थे। वहीं जिले के गरहनी थाने में पदस्थापित एएसआई वाहिद अली को एक मामले में पक्षकार से 10,000 रूपये घूस मांगने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। दूसरी तरफ पूर्वी चंपारण जिले के तुरकोलिया थाना के पूर्व थानाध्यक्ष नवनीत कुमार और उनके चालक पर शराब कारोबारी से सांठगांठ रखने और बरामद शराब की हेराफेरी करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। राज्य सरकार ने सभी स्तर के कार्यालयों में कार्यालय परिचारी प्यून की नियुक्ति के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि जिन अभ्यर्थियों के पास कम से कम 240 दिनों का कार्य अनुभव है उन्हें नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता 8वीं से बढ़ाकर मैट्रिक कर दी गई है। इन पदों के लिए 100 अंकों की लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय अपने विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा का पटना में भी आयोजन करेगा।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की ओर से यह जानकारी दी गयी है। शिक्षा विभाग ने पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी से निजी स्कूलों द्वारा लॉकडाउन की अवधि से अब तक अभिभावकों से शुल्क लिए जाने का ब्यौरा मांगा है। पिछले दिनों एक निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा अभिभावकों से शैक्षणिक शुल्क के साथ साथ यातायात शुल्क और अन्य मदों के लिए भी शुल्क वसूले जाने का वीडियो वायरल होने के बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने ये आदेश जारी किया है। मुजफ्फरपुर से पुलिस ने बैंक लूटने वाले गिरोह के सरगना बिट्टू ठाकुर को उसके सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया है। इस गिरोह की पश्चिम बंगाल और बिहार में हुई बैंक लूट की कई घटनाओं में तलाश थी। पूर्वी चंपारण जिले के चकिया वन क्षेत्र में हरित क्रांति योजना अंतर्गत सरकारी जमीन पर लगाए गए 163 पेड़ों को काटने के मामले में केसरिया थाना में 35 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक आभूषण व्यवसायी से 2 लाख रुपए लूट लिए। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में शराब तस्करों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत पश्चिम चंपारण से 4, जमुई से 2, सुपौल बांका और कैमूर से 1-1 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। मौके से भारी मात्रा में शराब भी बरामद की गई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने राजद के 5 विधान पार्षदों के जदयू में शामिल होने और वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफे की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर लिखता है, राजद में फूट, रघुवंश ने छोड़ा उपाध्यक्ष का पद, 8 में से 5 विधान पार्षद जदयू में शामिल। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, विधान परिषद की सीटों के चुनाव के लिए गौस, कुमुद और भीष्म जदयू के प्रत्याशी होंगे। दैनिक जागरण ने एलएसी से सेनाएं पीछे हटाने पर भारत चीन के राजी होने की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। दैनिक भास्कर लिखता है, भारत से लोग इस बार हज के लिए नहीं जा सकेंगे। आज और राष्ट्रीय सहारा ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सेना के साथ मुठभेड़ की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोविड 19 संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8050 हुई। पीएमसीएच के 9 चिकित्सक भी हुए संक्रमित। राज्य सरकार ने कोविड संक्रमित चिकित्सकों को 14 दिनों के होम आइसोलेशन में रहने का निर्देश दिया। नेपाल ने बिहार सरकार को अपने भूभाग में गंडक नदी के सुरक्षा बांधों पर बाढ़ निरोधात्मक काम करने की अनुमति दी। और मौसम विभाग ने आज से 29 जून तक प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिये, सुरक्षित रहिये और सुनते रहिये आकाशवाणी।